जब हमें अंदर से लगता है ना हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, जबकि चीज़ें काम नहीं कर रही होती, बट जब अंदर से वो आवाज़ आती है ना, इसका मतलब हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। इस व्लॉग में आप देखने वाले हो पांच ऐसी जगह जो कि आप रह सकते हो, स्टे कर सकते हो इन बीर, ज़ीरो लेवल से, आई मीन द पॉकेट फ्रेंडली बजट से लेकर हाई बजट तक की प्लेसेस इसमें कवर्ड है। वेलकम बैक टू माई चैनल द साइड साशंजल। और आज का व्लॉग बहुत फैंटास्टिक होने वाला है, क्योंकि आज आपके व्लॉग में, मतलब मेरे व्लॉग में, आप देखने वाले हो पांच ऐसी जगह जो बीर में सबसे अच्छी हैं, और जहाँ पे मतलब बिल्कुल अलग अलग जगह बीर में, और इट्स फॉर स्टे, बेस्ट स्टे इन द बीर, सिंपल बेस्ट स्टे इन द बीर। सो मैं रुकी हूँ बीर कैंप्स के साथ, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्रॉपर्टीज में से एक है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले नेचर का टच है, नेचर की मतलब आवाज़ है। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ दो मिनट शांत खड़े हो तो नीचे से पानी की आवाज़ आती है, धूप एकदम डायरेक्ट आती है, सन बिल्कुल मेरे सामने से आता है अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठो तो। अलावा जो इनका यहाँ पे रहने के टेंट्स हैं, ये सबसे बेस्ट टेंट है जो मेरा वाला है। और उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेंट्स हैं, और दो टेंट इनके ऊपर की तरफ बन रहे हैं, ऊपर बन रहे हैं दो टेंट्स आपके, और गाड़ी आ जाती है आराम से। कितनी गाड़ियाँ आ जाती हैं? पाँच छः तक, 5 6 और बाकी ऊपर लग जाती है। हाँ, यहीं पास में लग जाती है, सही है। तो यहाँ पे भैया है जो काम करते हैं, और दूसरे भैया जो आज बाथरूम की सफाई कर रहे हैं। वहाँ पे जो है आपका कैफेटेरिया है बिल्कुल मेरे सामने। स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 से लेकर कैंप सोल्ड आउट होता है 4000, एंड डिपेंड अपॉन द सीजन ऑल्सो। सो कुछ कैंप्स जो हैं वॉशरूम से अटैच है, कुछ कैंप्स नहीं है, बट इन्होंने वॉशरूम की फैसिलिटी आपको बाहर दे रखी है। आपके धुल जाते हैं यहाँ पे कपड़े? हाँ। सो दीदी यहाँ पे गुनेहर वाटरफॉल का पानी आ रहा है ना, और दीदी यहाँ से कपड़े धो रही हैं। ये सारा वाटरफॉल का पानी है नीचे, सही है। सो ये वो रास्ता है जिससे हम रात को आए थे, और जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत क्लासी तरीके से पार्क होती है। सो गाइस, वी आर हियर इन द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द डे, एंड यहाँ पे मैं और लव रह चुके हैं, एंड आई लव दिस प्लेस। सबसे बड़ी चीज़ है, पता है, यू नो पीपल हैव द होस्टल्स, बट आपके यहाँ पे कंपाइल कॉम्बिनेशन है। वी हैव अलकनंदा विद अस, एंड अलकनंदा हैंडल दिस ऑल प्रॉपर्टी। तो अलकनंदा बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, बिकॉज मैं रूम में रह चुकी हूँ, एंड यू पीपल हैव दिस डोमेट्री ऑल्सो, आई रिमेम्बर। सो बाकी आप बताओगे, लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी टूर ऑल्सो। यस प्लीज, आई शो यू द डोमेट्रीज दैट शी इज टॉकिंग अबाउट। सो व्हाट हैपेंस यूजुअली इज, वी गॉट ट्रैवलर्स, देयर आर सम पीपल ऑलरेडी इन हियर, वी गॉट ट्रैवलर्स एंड दे ट्रैवल, सो मेनी ऑफ देम आर फॉर लॉन्ग स्टेज, मेनी ऑफ देम आर हियर see on a budget trip, many of them are just traveling solo and might not want to be in like a private room, they might want to just socialize more, like yeah, I'll stay so with true. more people, I you know at night I just sit and in my bed in the coziness I'm going to talk to a lot of people, so that's where the dormitories come in picture. Great. And how much your dormitory are charging right now? 400 rupees. It's so nominal, I'm telling you. But our hostel is a very vibrant hostel. That's so true. That's the reason I want to cover you people, because last time also I realized this thing. Last time आपको पता नहीं होगा guys, but me and Love was fine. Yeah, I do remember this room. Okay, so this is the same, but पता है यहाँ पे बहुत changes हो चुके हैं। अब मुझे room ज़्यादा clean दिख रहा है। I won't say, मतलब मैं कोई गलत वो नहीं दूंगी, but when a human maintain something ना, it actually shows up उसके काम से। This is actually I have heard something guys, कितना पुराना है ये? 230 years mud house, और ये भी renovation के अंदर है। So guys, you gonna get this option here. अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो, सो यू कैन एक्चुअली मेक अ एपिक मोमेंट कि मैं 2000 पुराने, मतलब नहीं 200 सॉरी 200 पुराने, 200 साल पुराने एक्चुअली एक मड हाउस में रुका हूँ। सो यहाँ पे दो कॉटेज हैं जो मैं आपको थोड़ी सी वीडियो में दिखा दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे जो 12 रूम्स हैं इनके, प्लस सेम रूम का स्टाइल है जिस तरीके से हमने अदर रूम देखे गाइस। सो हाउ मच यू लाइक दिस वाली प्रॉपर्टी? अभी ख़त्म नहीं हुई है, पता है, दे हैव कैफे एज वेल। सो गाइस, दिस इज एक्चुअली द कैफेटेरिया, और ये आपका बॉनफायर एरिया है, एंड दैट इज सामने वेयर यू कैन एक्चुअली हैव द फूड, एंड यू कैन सिट अराउंड हियर। एंड इन्होंने पूरा का पूरा, जैसे कि मैं
मतलब आई नॉट से मोर बट येस उन्होंने पूरा का पूरा मेंटेन कर रखा है बिल्कुल लाइक ओल्ड स्टाइल में. आई एम सो श्योर आप टायर भी यूज़ करोगे. यस बेस्ट थिंग अबाउट देम इज इनका अपना इन हाउस गार्डन है. सो हम जा रहे हैं अब हमारे नेक्स्ट डे की तरफ जिसका नाम है द हिमाल वीर जो यहाँ का बहुत अलग टाइप का लग्जरियस डे है. एंड यू नो उसका प्राइस आपका कहाँ से स्टार्ट होगा 6,000 से उसके ऑफ सीजन प्राइसेस भी स्टार्ट है. तो देर आर गोइंग टू हैव मतलब वी एक्चुअली गोइंग टू हैव अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो मैं एंटर कर रही हूँ हिमाल में जहाँ पे आपके पास पार्किंग फैसिलिटीज़ भी है जैसे कि हमारे पुरानी जगहों पे हमारे पास पार्किंग फैसिलिटीज़ थी. और ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी शांत सी जगह में है. हिमाल में भी आप फाइंड आउट करोगे इनकी अपनी गार्डनिंग है. Love this section. So that's the reception area, guys. So that's the area which is actually beautiful, maintained, guys. Just look at this and just look at this culture thali. और ये जो है I guess if I'm not wrong, these are mud plates जिस पर ये मधुबनी arts बनी हुई हैं. Guys, they have the chappals अंदर जाने के लिए different वाली slippers. So अपनी slippers यहाँ उतारनी पड़ती है and then you can enter inside. So जैसे हम enter करते हैं ना, so they have this beautiful tree of knowledge. हम ऊपर की तरफ चलते हैं and ये see this old currency notes. This is from Nepal. Every note is from Nepal if I'm not wrong because I've been Nepal. I have this also. I've been to Nepal बहुत पहले. Let's go upstairs now. Decoration check करो. जो लोग हम चूड़ियाँ पहनते हैं. The same bangles they have and totally breathtaking view मेरे सामने है इस वक्त. और मैं तुम्हें रूम भी दिखाने वाली हूँ इस जगह का. Don't worry. So just look at this view. So we have the dining area. Okay. This is awesome. मतलब the way you have maintained this. I totally love that. यहाँ पर मेरे सामने हिमाचली टोपी है. If I am not wrong, तो आप लोगों ने इसको हिमाचल में मतलब लोगों को पहने में बहुत देखा होगा. मैंने वाले नीलगिरी के अंदर एक्चुअली में क्योंकि आज यही रूम अवेलेबल था इनके पास. Let me just close this. Wrong. I totally love that. It's a beautiful setup. एंड उसके अलावा इफ यू सी तो आपको अपनी पार्किंग दिखेगी नीचे की तरफ और आपको खेती बाड़ी होती दिखेगी जो गार्डनिंग एक्चुअली हमने जो स्टार्टिंग में कवर किया था गाइस इस एरिया के स्टार्टिंग में. मैं क्या बेड पे बैठ सकती हूँ पक्का. चलो आई जस्ट रीड द बेड. इट्स सॉफ्ट. दिस वन इज एक्चुअली सॉफ्ट. आई रीड इट लाइक यू नो 9 आउट ऑफ 10. नाउ वी हैव द क्लोजेट. यू हैव दिस फैसिलिटीज आल्सो. वाओ लुक एट दिस. And you have the whole water bottle also. मतलब अगर मैं घर पे भूल जाऊँ या आप घर पे भूल जाओ तो they have the hot water bottle. You can actually carry. Till then मैं घर पे चलाती हूँ ना. See, look at this. This area. I just love this one area. यार कितना सही मौसम. So they have completely, you know, private balcony in every room. Coming to the second floor. So. They have this. मतलब पहले तो ये बताओ, how many rooms you have? No rooms हैं. Okay. पूरे guest room हैं. और मतलब क्या special है? मतलब मुझे तो एक चीज़ें बहुत सारी दिखी, but आपके लिए क्या special है यहाँ पे? मैम actually यहाँ पे हमारा जो है hotel, हम घर की तरह रखते हैं और इसमें जो हमारी मैम है जो हमारे ओनर की मिसेज है वो नेपाल से. अच्छा तब भी ये सारा का पूरी की पूरी थीम जो है पूरी नेपाल के ऊपर बना के रखी. तब भी मैं देखूं कि इफ यू आर लुकिंग गाइस फॉर द नेपाली थीम इन इंडिया सो दे हैव दैट. क्योंकि ये वाटर इसलिए रिफ्रेशिंग है क्योंकि इसमें रखा हुआ है बोर्ड में. इट्स टाइम टू मूव ऑन टू फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर डे एंड लेट्स जस्ट गो. अभी तो शाम बाकी है, अभी बहुत कुछ काम बाकी है. एंड हाउ विच वन इन तीनों में से बहुत बेटर लगी कमेंटेड बिकॉज आई एम गोना कवर टुडे द बेस्ट प्रॉपर्टीज विद दी लो बजट टू द हाई बजट. मतलब पॉकेट फ्रेंडली से लेके हाई बजट रियलिटी ऑफ ट्रैवलिंग. सो पता है यहाँ पे ना इस वक्त सबसे ज़्यादा फॉरनर्स पैराग्लाइडिंग करने आए हुए हैं. अभी यहाँ पे लोकल का क्राउड बहुत कम है. सो फाइनली रीचिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द डे एंड दैट इज सुकून बाग.
सुकून बाग थोड़ी सी ऑफ बिट लोकेशन है, सो दिस इज एक्चुअली सुकून बाग का किचन, कुछ भी चलेगा आप खिला दो ठीक है। एंड यहाँ पे आज गेस्ट जो है वो बने हैं खुद शेफ, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वंशिका राइट? यस, यू लुक एक्चुअली अमेजिंग इन दिस अटायर, सो यू लव टू कुक? यस, सो आई एम अ स्टूडेंट एट आईआईटी मोरंगाबाद ताज ग्रुप। या वाओ, सो आई एम अ बडिंग शेफ। Your budding chef? My mother, she is a teacher by profession. Wow. And me and my mother together have started this cloud kitchen known as Pilai. Well, you wanted to continue. Yeah. How is your experience here? So the place is pretty good. I mean, the life is really slow and I'm actually having fun. And cooking here is another experience. Wow. So it's pretty good. It's very calming. So ये इनका common sitting area है जहाँ पर books, और सबसे अच्छी बात आपकी धूप की रोशनी direct आ रही है। So what's your name, pretty lady? Jaya. Yeah. Jaya is cooking for the day. Yeah. So how is the experience, Jaya, yahan par? Hi. Can I call you Jaya, right? Yeah, yeah, why not? Because you look actually young. Thank you. So how is the experience here? Yeah, it's good. I'm really enjoying. Wow, that's awesome. Came to know everybody is a guest here and they are helping. How? This is actually fun. So writing here, आपकी राइटिंग पहले तो बहुत अच्छी। ये सारे मेन्यू जो हैं वो आज का आपने डिसाइड कर रहे हैं, मतलब आप लोगों ने डिसाइड कर रहे हैं मिलके, राइट? So I am just a promoter of PD India. Oh, wow. PD India is owned and founded and owned by Vanshika, my daughter Vanshika, and my wife Jaya. अच्छा. We are from Surat. अच्छा, वंशिका इज अ बडिंग शेफ एंड वंशिका इज कुकिंग, दैट आई केम टू नो। सो आई वी प्रिपेयर दिस मेन्यू अकॉर्डिंग टू द डिमांड एट बीर राइट नाउ। देयर आर लॉट ऑफ फॉरेनर्स हु हैव कम ओवर हियर एंड देयर इज अ डिमांड फॉर कंटेंट। बीर में बेस्ट चीज पता है ये है कि सबके इन हाउस गार्डनिंग है। सो गाइस, हियर शशि विद अस फॉर टुडे, एंड ये हमारी फोर्थ लोकेशन है जैसा कि आप लोगों को पता है, एंड दिस इज समथिंग वेरी यूनिक लोकेशन जहाँ पे आपको गार्डनिंग के साथ साथ एक सुकून से, एग्जैक्टली हम सुकून बाग में हैं, बट यहाँ सच में उस टाइप का सुकून है, यहाँ के आके फील ही कर सकते हो आप, मैं एक्सप्लेन तक नहीं कर सकती कैमरा में। क्यों शशि? अभी मैंने सुना आप फिल्म मेकिंग में हो, और मतलब मैं काफ़ी कुछ कर लेता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें छोटी मोटी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ कुछ चीज़ें, लाइक आई एम अ पोइट राइटर, माय बुक इज कमिंग नेक्स्ट ईयर, वाओ, माय पेंटर, म्यूजिक प्रोडक्शन, सो विल आई गेट अ कॉपी, विल आई, विल आई, विल आई, आई एम अ फिल्म मेकर टू, नाउ आई डिड द इंटीरियर, दिस इज माय फर्स्ट इंटीरियर, दिस हाउस वाज ओल्ड हाउस, वी बिल्ट इन 2004 or 2005 आई गेस, देन आई डिड द रेनोवेशन ड्यूरिंग द कोविड टाइम। And this is my first architect, the stone house. I built it in July. July? Yes, this July. Just July. So let's go to the room, guys. Okay. Wow. This is actually amazing. Okay. This is very aesthetic. I love it. Like, you know, guys. And अगर आप अलग से बेड लगा, दिस इज लाइक 4,000 पर नाइट विदाउट फूड, एंड कोई नहीं यार, सच्ची यार, हम अच्छी अच्छी का कब हुए हैं, और इस बार थोड़ा पैसा ना पैसा हमें, सो वी हैव दिस एंटायर लाइक सामान रखने की जगह, मैं खोलूंगी नहीं सीक्रेट बिकॉज़ यहां लोग रह रहे हैं यार, सामान ना निकल रहा है, सो वी हैव द किचन ऑल्सो, अगर आपको खाना बनाना आता है। And darling, love this place. You can prepare food bhi khud prepare kar sakte. I guess people actually prepare the small sky. That's a kitchen se sky bhi Ashish. So we can actually cover the sky area. Wow. Matlab direct roshni aati hai. Aapko light ki zarurat nahi hai. Day time pe. Hum washroom check kar sakte hain. Tum logon ne room mein sab nahi kara hua. Main apne room mein kisi ko ghusne nahi de sakta. Main tum sab kara hua. Okay. We have this washroom yahan pe. And it's totally like, you know, अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूँ तो ये मिनी अपार्टमेंट टाइप है गाइस, प्रॉपर सब कुछ अवेलेबिलिटी,
So do you think so the 4,000 value is actually good for this room? This is something love, right? मेरे को बहुत पसंद आया. सो गाइज दिस इज़ दी अनदर रूम इनका. बाकी तो हम दो जो दो रूम हैं वो एक जैसे ही हैं. यहाँ पे मैडम रुके. हेलो हाउ इज इट? ब्यूटीफुल. व्हाट्स योर नेम बाय द वे? हाय निकिता. सो थोड़ी सी रिस्पेक्ट, हम दूसरों के रूम्स में जा रहे हैं तो चप्पलें उतार देते हैं. एंड दिस इज़ दी प्राइवेट किचन. यहाँ पे जस्ट लुक एट इट एंड जस्ट लुक द रूम. जब आप उठोगे तो पूरा आई मस्ट से you have a amazing skill, Sashi. The beautiful architecture and just look at this stay. This room worth around 5,000 and you will fall in the love with the mountains yahan pe aane ke baad. And this is the room actually. Oh acha, this aisa khulta hai ye. Just look at this ki how this actually opens. Aur uske ilawa when I enter this room we have a personal closet yahan pe सामान रखने की जगह, which is actually very segregated. और सिर्फ इतना नहीं, आप रूम के अंदर आओ, आपको कुछ और दिखाती हूँ. You have this personal space, the personal light for readers, and उसके अलावा the mirror actually. शशि तुमने ये mirror change कराना पड़ेगा, ये टूटा हुआ है. ठीक है, let's see further. यहाँ से भी view है, मतलब view के साथ आप सो सकते हो. I totally love this room and the entire place. Is wow. Even I can't define with the definition कि ये room कितना perfect और कितना सुंदर है. Wow, है ना? We have a very personalized balcony also यहाँ पे. This is amazing. Just look at the view. The mountains. हाँ, the right now mountain थोड़ी सी है ना? हाँ. Foggy सा लग रहा है. हल्का सा smoky सा. Because शाम हो चुकी है. Morning which wow. Amazing. Like you can see around minimum 20 to 30 mountains at a time. That's the blue awesome. Mountains. What ranges are they? They are basic. They are basic ranges. Shivalik. Shivalik. Okay. Shivalik ranges. Okay. It's cool. It's totally long. चलो इट्स डन फॉर द फोर्थ प्रॉपर्टी. थैंक यू सो मच. आई टोटली लव इट. पर पहाड़ों में ना सनराइज बहुत प्यारा होता है और सनसेट भी बहुत प्यारा होता है. अभी तो फिलहाल सनसेट हो रहा है. शाम हो चुकी है, शाम के 5:30 बज चुके हैं. हमारी एक और जगह कवर करनी रहती है एंड आई एम गोइंग टू द लास्ट प्लेस फॉर द डे. सो वी आर हेयर एट द फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि वन ऑफ द फेवरेट है क्योंकि वो हॉस्टल की वाइब देती है और ये भीर के बिल्कुल अंदर है. इफ आई टॉक अबाउट अदर हॉस्टल्स, मतलब जो बहुत फेमस फेमस टाइप्स है वो थोड़ा भीड़ से बाहर है, बट दिस इज समथिंग माई फेवरेट एंड विच आई प्रीफर, विच इज वूपर्स. वूपर्स के पीछे बहुत एक राज है क्योंकि हर जगह के वूपर्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग है. लेट्स जस्ट गो. कम ये वाला जो पीपल वूपर्स है ये पूरा का पूरा आपका फ्रेंड सीरीज पे बेस्ड है. अगर आपने फ्रेंड सीरीज देखी है, बिकॉज हर वूपर्स की एक अपनी स्पेशलिटी है एंड दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दी फ्रेंड सीरीज. सो क्या आपने देखी है फ्रेंड सीरीज? मैं सच बताऊँ मैंने नहीं देखी यार. तो हर ऊपर की एक अपनी वाइब है. सो दैट्स द गाइस मेन्यू यहाँ का. बट सिर्फ इतना नहीं है, दे हैव द होल मेन्यू अवेलेबल ऑन द बार कोड. सो आपको अगर मेन्यू में कुछ खाना है तो यू कैन एक्चुअली अप्रोच द बार कोड्स, विच इज़ लाइक आजकल बहुत अच्छा हो गया है. बिकॉज क्या कहते हैं इस चीज़ को, सोशल डिस्टेंसिंग. सो ही इज़ मैनेजिंग राइट नाउ हियर. अजय राइट? हाय अजय. अजय कह रहे हैं आज मेरी प्रॉपर्टी भरी हुई है. मैंने कहा कोई बात नहीं. कह रहे मेस्ड अप भी है. मैंने कहा कोई बात नहीं, इससे पता चलता है कि भीर में कितने सारे लोग आए हुए हैं. सो मैं जा रही हूँ उसका रूम देखने. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. सो हाउ मेनी रूम्स आर देयर? पहले तुम मुझे ये बताओ. 8 रूम्स आर देयर. एंड क्या तुम्हें बेस्ट लगता है एज ए यहाँ पे? बिकॉज यू आर अ मैनेजर, तो क्या अच्छा लगता है इतना? This area. Oh my God, just look at this area. It's a kind of party freakers area. और उसके अलावा यहाँ की vibes तुम्हें कैसे लगती है अजय? Best. Sunset is amazing. I guess this is something which is, you know, your best kind of room. Yes. उसका view पूरा balcony का है, so you can actually enjoy सुबह सुबह. मतलब यार sunset, मतलब sunset और sunrise दिखता है, यहाँ से sunrise दिखता है. ओके सनसेट उधर दिखता है. ऑल राइट. अच्छा ओके वाह. मतलब यहाँ पे अराउंड 4 से कितने, मतलब 4 जने
ओके पैसे देते हो. सो वी हैव द किचन ऑल्सो एंड वी हैव प्रेस्टीज का. अच्छा नो इट्स अ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई कौन सी कंपनी है मुझे पता नहीं गाइस. बट वी हैव, अगर आपको खाना बनाना है तो आप मैं चुरा सकती हूँ. मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए. अब अगर खाना बनाना है कैन एक्चुअली मेक द फूड. We have the water bottles. We have the area for the kitchen. अगर आपको यहाँ कुछ दिनों के लिए extra रुकना है, and yes, we have the kettle over there. There's a lamp also. So if you're planning to come with your friends, obviously the theme is also friend. So this is the best room. I'll suggest you people. And बाकी room I guess सारे के सारे single occupancy या double occupancy से होंगे. और single room तो ये पूरा आज occupied है. तो वीर अभी ना सबसे हाई सीजन पर चल रहा है गाइस. अगर आप लोगों को नहीं पता तो अगर आप अभी तक नहीं आए हो तो यू हैव टू कम. दिस इज नाइस. चल रहा हूँ. दिस इज अ पेंटिंग. ओके सो गाइस वी हैव द फ्रेंड्स का बेस थीम एंड लेट्स जस्ट गो इनसाइड. एंड यहाँ पर जितने नाम है ना वो सारे के सारे करेक्टर्स के ऊपर रखे हैं. ठीक है आई मीन टू से. सो वी आर एंटरिंग इन टू डोमेट्री और यहाँ पर है सिक्स फ्लोर. सो लेट्स जस्ट चेक आउट द रूम and just rate the bed. Okay, it's 5 out of 10. मैं बहुत सारे beds को शायद देख चुकी हूँ मुझे ऐसा लगता है क्योंकि I'm into hotel industry so much. कैसा लग रहा है यहाँ पे रह के? How is it? We just came and our team is nice. So you must be liking the friends a lot. Yes. You also देखते हो? पक्का देखते हो? शक्ल दिखाओ अपनी फिर अपने आप कैसे पसंद आ सकता है. आप देखते हो क्या? आई एम प्रीटी श्योर तभी आप लोग आपको पसंद आया. चलो ऑल द बेस्ट गाइस. एंजॉय बीर एंड डू पैराग्लाइडिंग एज वेल. सी या. सो गाइस वूपर्स के जो प्राइजेस है वो 400 से लेके 500 के बीच में स्टार्ट से लेके अराउंड 4000 तक है. प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, वेरी हो जाते हैं टाइम के साथ साथ. सो आपको पांचों में से कौन सी प्रॉपर्टी पसंद आई मुझे ये चीज़ बताओ. स्टार्टिंग फॉर दी हिप हॉस्टल बीर कैंस एंड आई गो टू बाग, इफ आई गो टू हिमाल एंड आई गो टू वूपर्स. कौन सी आपकी फेवरेट है फटाफट कमेंट करके बताओ. टिल देन स्टे ट्यून एंड आई गोना सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट व्लॉग. भूलना मत अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक बिकॉज देर इज ह्यूज गिव अवे ऑल्सो कमिंग विद मी. सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट व्लॉग. बाय.